अच्छा स्क्रीन शो कर दो। सर असाइनमेंट यही दिखाना है ऑर्गेनिक का। हाँ असाइनमेंट ऑर्गेनिक का ना? हाँ ए ए ही होगा शायद, अभी ए में कुछ आधे क्वेश्चन होगा शायद। ठीक है। याद है कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना था? क्या सर? कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना था? सर नहीं याद नहीं है मेरे को। सर 14 मुझे का लग रहा है फिफ्टी, कंप्लीट। हाँ 14 है, 15 है। हाँ सही है, 15 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन विजिबल है सबको? सर मैं कह रहा था आप बता ही दो, क्योंकि मतलब लैपटॉप लिया ना फिर सिर में दर्द हो जाता है ऐसे। क्वेश्चन सुन ले। सिर्फ 10 ग्राम मिक्सचर है आइसोब्यूटेन का और आइसोब्यूटीन का। इसको चाहिए 20 ग्राम Br2 इन CCl4 फॉर कंप्लीट एडिशन। सही है। यस सर। और इफ 10 ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज कैटालिटिकली हाइड्रोजनेटेड एंड द एंटायर एल्केन इज मोनोब्रोमिनेटेड। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एट 127 डिग्री सेल्सियस विच एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड बाय एंड हाउ मच ऑफ इट विल बी फॉर्म। एटॉमिक वेट ब्रोमिन का पता ही है 80 होता है। क्या क्लियर है क्वेश्चन? अब यस सर। करो ट्राई। अभी यस गर्व हो गया। सर हो गया। और किसी ने किया है? ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर बोल क्या आंसर है? सर 7 ग्राम तो वो आ रहा है आइसोब्यूटीन, और 3 ग्राम बचा हुआ, और लास्ट वाला जो है उसमें वो टर्शियरी वाले पे बीआर लग जाएगा। नहीं तो क्या कर, 10 ग्राम में से 3 ग्राम बचा हुआ है। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 7 ग्राम आइसोब्यूटीन आ रहा है, 3 ग्राम आइसोब्यूटेन। तो हाँ कैसे निकाला ये? हाँ नॉर्मली मतलब जो इक्वेशन बनती है वो बना दी, आइसोब्यूटीन प्लस Br2 गिव्स प्रोडक्ट, तो 56 ग्राम अरे आइसोब्यूटीन के लिए 160 ग्राम Br2 चाहिए, तो हाँ निकाल लिया। फिर 20 ग्राम Br2 के लिए कितना आइसोब्यूटीन चाहिए होगा, वो 7 आ रहा था। वो 7 आ रहा है तो 3 ग्राम ही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या कहते हैं दूसरा पार्ट जो है? और नहीं फाइनल आंसर क्या है? विच एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। सर वो टर्शियरी मतलब 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ हाँ मतलब ट्रिसिपिटाइल ब्रोमाइड ना। बिल्कुल हाँ हाँ सर सही है। और किसी ने किया क्वेश्चन ये? अच्छा ये और किसी ने किया क्वेश्चन ये वाला? चलो हाफ मिनट का टाइम देकर जल्दी से निकालना, फिर अगला करना है।
चलो देखेंगे आंसर अब। और किसी ने निकाला क्वेश्चन ये? देखो सर, एक हैंड सेकंड हैंड पॉज ऑन करो। कर रहा अच्छा जल्दी सर, करो मैं कह रहा था जवाब। कि मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे हुए थे आपको, दो क्वेश्चन भेजे हुए थे। अच्छा, यार अगर मैं आज देखूंगा, मैं बिल्कुल भी बिजी, मैं बहुत बिजी था, टाइम मिल नहीं पाया बिल्कुल भी। सर वैसे तो अपनी क्लास में करा रखा है, मेरे को बस ये डाउट है कि उसका आंसर शायद गलत दे रखा है। अच्छा, मैं वो वाला देखता नहीं था हूँ थोड़ी देर में। MBS वाला जिसमें वो 11 प्रोडक्ट बनते थे, वो वाला। हाँ, सर अच्छा बता एक बार इसका दो। आंसर नहीं हो रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैभव। देख सर आइसोबिटी नहीं है, वो भी आर टू से रेट करेगा। हाँ सर, और X/20 लेकर मास ऑफ आइसोबिटी आइसोबिटी मतलब बी आर निकाल टू। लेंगे हाँ और क्या, सर, वो तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट नहीं समझ ये आया क्या देख, लिखा है। ये आ गया ना। पहले पहले ये देख लें कि 160 ग्राम ब्रोमीन है, तो आईसीबीटी का वेट कितना आ रहा है गर्व? C4H8 है ना, हाँ सर, इसका 56, 68। 56। क्यों 12 4 48 प्लस 8 56। हाँ 56 ग्राम रेड कर रहा है, तो 20 ग्राम से कितना रेड करेगा? ये 7 ग्राम, 7 ग्राम आ जाएगा ना, सर तो 7 ग्राम इसका वेट आ गया। और 7 ग्राम इसका हो गया, तो 3 ग्राम हो गया आइसोब्यूटेन का। फिर क्या 10 ग्राम मिक्सर दोबारा लिया, कंप्लीटली हाइड्रोजिनेट किया, एंड द एंटायर एल्केन इज मोनोब्रोमिनेटेड। मोनोब्रोमिनेट किया तो पूरा का पूरा आइसोब्यूटेन ही बन जाएगा हाइड्रोजनेट करने के बाद। और मोनोब्रोमिनेट करेंगे अगर, तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट क्या आएगा? टर्शीब्यूटाइलब्रोमाइड। आगे समझ के नहीं? हाँ सर, मेरे को नेक्स्ट पार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं समझ आया था, अब समझ आ गया। सिलेक्टिव होता है तो रिएक्टिव। ये आइसोब्यूटेन, हाँ वो तो आइसोब्यूटेन से ही हो जाएगा ना, सही है। अब नेक्स्ट यस ये निशा शो कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मोल ईच ऑफ मोनो, वन मोल ऑफ ईच ब्रोमो डेरिवेटिव ए एंड एन एस थ्री रिएक्ट टू गिव वन मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए है ब्रोमो डेरिवेटिव, ये एन एस थ्री से रिएक्ट करके वन मोल दे रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड बी। बी रिएक्ट विद सी एस थ्री आई टू गिव सी। बी सी एस थ्री आई से रिएक्ट करके सी दे रहा है। बोथ बी एंड सी रिएक्ट विद एच एन ओ टू टू गिव कंपाउंड डी एंड ई। डी ऑन ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट डी कार्बोक्सीलेशन, फाइनल आंसर है ये, गिव्स टू मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन। तो ए से ई तक बताना तुम्हें।
गया यस सर हो गया। सर? 1 मिनट बस। हाँ हो गया क्वेश्चन। वैभव यस सर हो हिमांग गया। देखो आंसर पर, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ तुम्हें। देखो इसमें क्या है कि कोई भी एक मोनोब्रोमेटिक डेरिवेटिव है, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, मान लिया वो RCH2Br है, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, इसमें जानबूझ के RBr भी मान सकते हैं इसको, RCH2Br इसलिए माना क्योंकि आगे डीकार्बोक्सीलेशन किया हुआ है, NH3 डाला तो RCH2NH2 आ गया, HNO2 डाला इसके अंदर तो RCH2OH आ गया, RCH2OH है इसके अंदर हमने, नहीं ये और इसमें भी डाला ना कुछ, एक मिनट क्या क्या है गर्वे को बोल, RCH2BrNH3 डाला तो मतलब RCH2NH2 आ गया। पहले ऑक्सीडाइज किया है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन किया इसके अंदर ना, RCH2OH के अंदर। हाँ हाँ ऑक्सीडाइज किया तो फिर डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो RH मिलेगा और RH इसने दे रखा है, यही है ना, यस सर। ये RH दे रखा है COCH3 प्रोपेन, यही है ना, 2-methoxy-2-methyl propane, सर बीच में CH3I के साथ भी रिएक्शन है एक। CH3I से इसमें रिएक्शन हुई ना, यहाँ पे CH3I पर डाला वो होगा, अलग अलग वो हाँ हाँ वो CH3I डाला अलग होगा तो RCH2NHME मिल गया NaCH3। होगा, फिर वो करीवे हाँ लिबरमान NaCH3, नाइट्रो फिर चौगी लिबरमान नाइट्रोसामिन की HNO डाल के तो RCH2N N डबल बॉन्ड O CH3, यही है ना, एक बार देखना, यस सर यही। हाँ उससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगा, हिंट यहीं पे है, ये आ गया, इसका मतलब इस कार्बन के साथ COH लगा होगा, यानी ये वाला पार्ट आ गया हमारा, ये पार्ट आ गया, इसके ऊपर इस एसिड का एल्कोहल मार दो, ये हो जाएगा इस एसिड का एल्कोहल CCS3COCH3CCH2OH, यही आएगा, और उसके बाद अमीन बनेगा, अमीन के बाद यहाँ पे मोनोब्रोमो डेरिवेटिव आ जाएगा, वो चीज का सिर्फ Br। सर HNO2 से रिएक्ट करते वक्त रिअरेंज नहीं करना चाहिए था? एक मिनट, अगर ये कह रहा है तू यहाँ पे जब NH2 आया है, अमोनिया वाले में तो नहीं होगा ना, ये बनेगा हाँ, नहीं आएगा उसके ना बाद फिर। जब HNO2 डाला तो CH3 शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हाँ मेरी बात सुन, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो तू ऐसे माइनर मान के चल ले, फाइनल आंसर यही देना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते यस हैं। सर। ये आ गया OCH3 और CCH2Br, यही है ना आंसर, एक बार देखना।
यही आंसर कि नहीं? यस सर, यही आ रही। और सब नेम रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, सब नेम रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। निशा शो कर दो एक बार। अब तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 17 है ना? सेवनटीन क्वेश्चन है ना? अब यस सर। करो 17 ट्राई करेंगे। हाँ गर्व हो गया। यस हो गया। यस किटीन देख ले पर। सर, एक बार इसका आंसर बता दो 17 का। हाँ बोलो। देखो तो सर उसमें वो आ रहा है टर्शरी ब्यूटाइल में प्राइमरी वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है। हाँ मोस्ट, हाँ यही आंसर है। 0.037 ग्राम ऑफ एन अल्कोहल वॉज एडेड टू CH3MG बाई एंड द गैस वॉल्ड मेजर इतना। गैस और मेजर कितना? फिर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आर ओ एच ऑन डिहाइड्रेशन? एल्कोहल गिव्स एन एल्कीन विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। आर ओ एच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये और किसी ने निकाला? घर के अलावा
देखो आंसर इसका, पता है ये क्वेश्चन होने चाहिए सब, तुमने रिएक्शंस में ही पढ़ा हुआ, कन्वर्जेंस के अंदर भी। देखो आर ओ एच है, इसकी रिएक्शन हुई ग्रीन हाइड्रोजन के साथ, तो मिलेगा तुम्हें पता ही है आर ओ एम डी आई प्लस, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, सी एच फोर मिल जाएगा प्लस सी एच फोर। सी एच फोर मिला 11.2 सेंटीमीटर क्यूब, 11.2 सेंटीमीटर क्यूब, 22.4 लीटर। मिथेन जो है ये कितना से मिल रहा है, एल्कोहल 0.037 ग्राम से। उल्टा लिखना है इसको, ऐसे लिखना 11.2 सेंटीमीटर क्यूब, 11.2 सेंटीमीटर क्यूब मिथेन मिला 0.037 ग्राम से, इसका आर ओ एच से। तो 22.4 लीटर कितने से मिलेगा, 0.037 डिवाइड बाई 11.2 इंटू 22.4 इंटू 10³। तो ये तो सीधा 2 आ गया, 37 इंटू 2 74 ग्राम वेट आ74, गया इसका। 74 यस सर। वेट आने का मतलब है, 74 वेट आने का मतलब है, ये अगर मैं कहूँ कार्बन चार लेते हैं, चार लेते हैं तो 48 वो मास हो गया, 48 वो मास हो गया, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 16, 64, 64 10 है हाइड्रोजन यस सर, हाइड्रोजन 10 आ रहे हैं, कार्बन क्या, 4 और ऑक्सीजन सेवेंटी चार। फोर बस तुम्हें ये पहचानना है। अब इसके चार आइसोमर्स बनते हैं, चार आइस ब्यूटेनॉल के चार आंसर बनते हैं, उन चार आंसर में से कौन सा है। लेकिन इससे एक हिंट दिया हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है कि ये ऑक्सीडेशन पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देता है ना, ये एल्कोहल ऑक्सीडेशन पे पहले तो क्या देगा, एल्डिहाइड, फिर देगा एसिड। उतार रखा ना ये रिएक्शन, पहले ये एल्डिहाइड देगा फिर एसिड देगा, और एसिड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी चार के चार कार्बन एटम आ रहे हैं, इसका मतलब ये एल्कोहल जो है प्राइमरी होगा। अब प्राइमरी एल्कोहल होते हैं दो, ये एक और ये दो, इस फॉर्मूले के ये दो है। इसने बोला जब इसका एल्कीन बनता है ना, तो एसीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है, इसमें डिहाइड्रेशन पर एल्कीन मिलेगा और यही देगा एसीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो दे ही नहीं सकता, इसीलिए आंसर ही आएगा, इसलिए आंसर ही आएगा, समझे कि नहीं है। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, क्लियर, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर और कोई तरीका सोचने का, ऐसे ही सोचा है, सर यही करें। इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और किसी से नहीं हुआ है। हिमांग ये क्वेश्चन होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है ये। वैभव अर्पित समझ आ रहे हैं क्वेश्चन से नहीं। वैभव भैया का शायद लीव हो गया। हाँ यस सर, आ रहे हैं। ये निकलना चाहिए, हिमांग से हो नहीं रहा क्वेश्चन ये। आयुष जो फाइनल ये आइसोमर वाला भी यही निकल रहा लेकिन मांग, ये इजी क्वेश्चन है, होने चाहिए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना आप। ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो, 18th।
हो गए क्या? सर बस एक वो एक्स और वो निकाल दूँ जो सबसे पहले है इसमें एक्स, बस बाकी तो निकल गए। एक्स थी वैसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक्स वाली की रिएक्शन कौन सी है? अगर B2H6 और एसिटिक एसिड। अगर तुमने रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग डिवाइस किया है ना, फिर हाँ सर उस 3 4 दिन पहले किया था, अभी याद कर रहा हूँ। तो नहीं, फिर तेरे को याद होना चाहिए। सर ये मेरे को तो वो लग रही है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। वही तो है, और क्या। तो देखते पहचानने थी, इतना सोचना थोड़ी है इसमें। हाँ सर हो गया, एक्स हो गया। और किसी ने निकाला है? अच्छा चलो एक बार देखेंगे। अगर क्वेश्चन बता दिए मेरे को एक बार, देखो एक्स है C7H12, इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन लगाया, B2H6 डाला पहले, B2H6 से मिलेगा H-, और इससे मिलेगा CH3COH से मिलेगा H+, तो H- और H+, और ये दिख रहा है कि ये एल्काइन है, ये एल्काइन है, इससे मिला A, और A का इसने बोल दिया है कि ये दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, A1 और A2, A1 और A2 दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद उसका ओजोनेसिस किया ना, इसका यस सर, ओजोनेसिस किया रिडक्टिव इसका, ओजोन तो दो एल्डिहाइड मिल रहे हैं। से। यस सर दो मिल रहे हैं जिसमें से एक ही कैनी जरूर दे रहे हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड, और इनमें से एक ही कैनी जरूर दे रहा है, दो एल्डिहाइड मिल रहे हैं और इनमें से एक ही, यहीं पे हिंट मिला हुआ पूरा क्वेश्चन का। बी जो है ये CNZ कैनी डायरेक्शन शो करता है, और ए जो है ये दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही रहा है, ए में ज्योमेट्रिकल जरूर शो करनी है, ये एक हिंट है यहाँ पे, A1 और A2 के फॉर्म में, जिसमें से A2 ज्यादा स्टेबल है, जिसमें से A2 ज्यादा स्टेबल है। तो C7H12 ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसके अंदर, तभी आगे जाके डबल बॉन्ड बना होगा, तभी आगे जाके डबल बॉन्ड बना होगा। और ओजोनेसिस पे बी और सी मिल रहे हैं, दोनों दोनों एल्डिहाइड है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिकल एसिड होनी जरूरी है, दो कार्बन तो ये आ गए, और ज्योमेट्रिकल एसिड होनी जरूरी है, ओजोनेसिस पे दो एल्डिहाइड मिल रहे हैं, दो एल्डिहाइड कोई भी मान सकते हैं, सर पहले तो दो कैनी जारो एल्डिहाइड वाला मान लो ना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां तो अल्फा जनरल HCHO मान नहीं सकते उसको, क्लियर है ना। यहाँ पे तो एच। अगर हाँ फिर वो नहीं तो मान लिया ज्योमेट्रिकल तो नहीं फिर होंगे। ज्योमेट्रिक तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगी, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है उसकी, और वो है ये वाला, वो ये टर्शियरी कलर ये है। ब्यूटाइल कार्बोनडिहाइड। हाँ ये लिया ना, यस सर बस यही हिंट था इसका पूरा। और CH3CHO, ये वोटा, ये वोटा डबल बॉन्ड लग करके एल्कीन मिल जाएगा, ये वाला CH डबल बॉन्ड CHME, ये निकाला कर क्या, यस सर यही आ रहा बस फिर तो हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं फिर इसमें तो। आ गया इसका C, एल्काइन बना दिया बस। इसी का एल्काइन बाद CH3CH3 CH3, 7 कार्बन है ना पूरे। ये और किसी से हुआ यस ना सर क्वेश्चन, कैनी जा रहा शो कर रहा है ना, तो ये तीन कंपाउंड को भी भूलना ही मत, ये तीन ही कंपाउंड आते हैं। हिमंग हो गया था, यस सर हिमांग ने कर लिया था, गर्व ने कर लिया, और किसी ने किया था ये? नहीं हुआ किसी से और। चलो अभी ये 4 5 क्वेश्चन जो करना है रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट टाइम उसका नाइट में भी क्लास दूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस की, अभी इन क्वेश्चंस की देखो सर, अभी। वो हाँ जो मैंने गर्व, क्वेश्चन पूछे थे वो भी बता दो। अभी थोड़ी देर बताता हूँ, मैं ना एक्चुअली थोड़ा ट्रेवलिंग करके आया हूँ, मैं थका पड़ा हूँ बहुत ज्यादा, मैं सर खुद मैंने कॉल आपको करूँ। चीज़ बताई ठीक थी ना व्हाट्सएप पे, तो इसका ऑप्शन ए और बी था आंसर। हाँ यार मुझे भी ऐसा ना हेमांग, मेरे को भी लगता है वही होना चाहिए आंसर, लेकिन बस उसमें प्रेसिपिटेशन की वजह से ना, एफयू हाँ सल्फाइड की, सर, उसमें लेकिन क्या। मैंने वही जे एडवांस के आंसर की देखी थी, उसमें तो ए हाँ फिर और वो बी सही दिया है, हुआ था, उसमें हमने हाँ प्रेसेंटेशन तो में फिर नहीं वही दिया था। करियो, जो एनटीए ने दे रखा ना उसी को करियो फिर, जो उसी को करियो, क्योंकि ओ चाइन्स की प्रेजेंस में तो पता ही है कि H2O2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके सर।
चल कर, मैं तेरे को थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। देखो उसके क्या नाम है, विधि के भी ऑलमोस्ट फुल मार्क्स है केमिस्ट्री में, नीट में, और उसके तिशा करके तो पूरे 180 में से 180 है केमिस्ट्री में। तो बस एक ही चीज बोलिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, चैप्टर की रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, चैप्टर की रिवीजन और पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह करना जो है, और इनको रिवाइज जरूर करना है। इसी से ही रैंक आएगी ध्यान रखना चीज का, तो इसको ट्राई करना जरूर ढंग से।